ने करेला बनाना, तो आप भी इसे बनाइए और ट्राई कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं रेणुका लाल अपने चैनल रेणुका की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोग के लिए फिर एक नई डिश लेकर आई हूँ जो झटपट 5 से 10 मिनट में बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चावल रोटी पराठा के साथ उसे सर्व कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं करेला का भरवा। तो आइए करेला का भरवा हम बनाते हैं। करेला का कलौजी बनाएंगे। तो करेला का कलौजी बनाने के लिए सबसे पहले हम करेला को 4-5 पानी से साफ कर लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं। अब धोने के बाद जो है सो हम इसको करेला को कट करेंगे। तो कट करने के पहले सबसे पहले दोनों साइड से हम इस तरह से निकाल लेंगे किनारी को और इसको हल्के हल्के इस तरह से छील देंगे करेला को, जिससे इसकी तीखापन जो है उतना नहीं लगेगा करेला का। और हम इस छीला हुआ को हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको मसाला में हम यूज में लाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस करेला का पूरा इस तरह से छिलका निकाल लेते हैं। करेला को हम सबसे पहले छील के अच्छा से इस तरह से रख लिए हैं, जिससे इसका तीखापन कम होता है। तो करेला हमने ले लिए हैं और यहाँ अदरक लहसुन प्याज का और सरसों का हमने पेस्ट बना लिए हैं। यहाँ जो छीले हुए थे करेला उसको हम फेंके नहीं है, इसको भी हम यूज में लाएंगे। और करेला में डालने के लिए हम यहाँ 4 आलू ले लिए हैं, 1 टमाटर है और हल्दी धनिया मिर्चा और नमक स्वाद अनुसार और तेल। तो चलिए सबसे पहले हम करेला को बीच से कट कर लेते हैं। आप कट करने के बाद फिर हम इसको एक बार कुकर में 1 सीटी लगने तक हम उबाल लेंगे। देखिए इसी तरह सारा करेला को हम काट लेंगे। देखिए हमने दूसरा करेला भी काट लिए हैं। इसी तरह काट के हम करेला को उबाल लेंगे 1 सीटी तक। देखिए हमने उबाल लिए थे, उबाल के ठंडा हो चुका है। अब इसमें से हम सारे करेला में से हम इसका सारा बीज निकाल ले रहे हैं, निकाल लेते हैं अच्छे से। देखिए इस तरह से पूरा निकालना है। देखिए हम करेला में से सारा बीज निकाल लिए हैं। अब हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे, इसको इस तरह से डाल देंगे। 1 टमाटर रखे थे उसको भी इस तरह से काट लेंगे। देखिए इसको भी इसमें हम डाल दिए हैं। अब हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने करेला का बीज का और 1 टमाटर डाल के हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल दे रहे हैं। अब जो हम ये करेला का जो छिलका जो हम निकाल के रखे थे उसको हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब हम सारा को इसमें डाल दिए हैं, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल दे रहे हैं जो ये जल्दी से पक जाएगा, और इसे फिर मिक्स कर लें हम अच्छे से। देखिए जो हम करेला का जो छिलका निकाल के रखे थे वो मेरा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमने गैस जला के और कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। इसमें जो है सो 2 टेबल स्पून जो है सो हमने तेल डाल दिए हैं। अब तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। देखिए 1/2 टीस्पून जो है सो हमने पीली वाली सरसों ले लिए हैं और मेथी भी डाल दिए हैं। देखिए मेरा मसाला अब हो चुका है, अब इसमें जो हम मसाला फ्राई देखिए हम अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाए थे इसको हम अब इसमें डाल दे रहे हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब जो है सो ये करेला का बीज और टमाटर का जो हम पेस्ट बनाए थे इसको भी इसमें डाल दे रहे हैं और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। देखिए अब इसमें जो है सो 2 चम्मच के करीब हम लाल मिर्च डाल देंगे।
और एक चम्मच हल्दी पाउडर भी मिक्स कर देंगे और धनिया 2 चम्मच डाल देंगे। अब ये सभी मसाले को हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हम अच्छे से अब इसको भून लेंगे। अब जो हम करेला भून के जो रखे थे इसको भी हम इसमें मिक्स कर ले रहे हैं और ये सभी को मिला ले। अब जो हम आलू उबाल के रखे हैं उसे हम इस तरह से मैश कर लेते हैं। अब देखिए हम आलू को भी इसमें डाल दे रहे हैं इस तरह से तोड़ के अच्छे से। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले मसाले में। देखिए हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसे बाउल में निकाल ले रहे हैं। देखिए अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं और देखिए हम इसमें धनिया पत्ता डाल लिए हैं। अब हम इस सारा मसालों को मिक्स कर ले अच्छे से मिला ले। देखिए अब मसाला को हम इस करेला में डाल दे रहे हैं। अच्छा से पूरा करेला में भर देंगे। देखिए हम एक करेला भर लिए हैं। अब दूसरी भी इसी तरह हम भर लेते हैं। अब सभी को इसी तरह हम भर के रख लेंगे। देखिए हम सारा करेला में मसाला भर दिए हैं और हम इसे अब फ्राई करेंगे। देखिए हमारा थोड़ा सा मसाला बच चुका है तो आप इसे रोटी पराठा और या चावल के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। देखिए हम गैस जला के और कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब हम इसमें तेल डाल दे रहे हैं। देखिए हम तेल डाल चुके हैं। तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेला एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं। देखिए हम डाल इसमें हम आधा करेला हम डाल चुके हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हमारा एक साइड हो चुका है करेला। अब हम इसे धीरे धीरे करके इसको हम दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं इस तरह से। देखिए हमने सारा करेला को पलट लिए हैं। अब हम इसे फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर 5 मिनट के बाद फिर हम दूसरी साइड पलटेंगे। देखिए हमारा करेला जो है सो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल ले रहे हैं। अब जो बचा करेला है इसको भी इसे हम डाल दे रहे हैं। देखिए हमारा करेला बन के तैयार हो चुका है। अब कितना अच्छा लग रहा है। खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। आप इसे चावल रोटी पराठा इस सब के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना आसान है करेले का भरवा बनाना। तो आप भी इसे बनाइए और ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।